बांदा जिले में पुलिस की बेरहमी थमने का नाम नहीं ले रही है। सिविल लाइन पुलिस चौकी में पुलिस कर्मियों ने एक सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, जब उसके परिजन थाने पहुंचे तो उनको भी पीटा गया। पिटाई से महिला बेहोश हो गई। उसके बाद उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। एक रिक्शा वाले ने आया है, उसने बेर दिया है। मम्मी एक छोटा सा बहुआ और लोग गिर गया है। पूरा डिब्बे में सब काउंटर वाउंटर सब टूट टूट गए हैं। उसके बाद उन्हीं ने खुद पुलिस वाले को लिवाला है। अच्छा, पुलिस वाले आए हैं, बस हमने कहा देखो भैया ये सब टूट टूट गया, कुछ नहीं, आप ऊपर से ऐसे ऐसे बातें कह रहे हैं। तो पुलिस वाले उल्टे हम ही को मारने डांटने लगे। खूब सारे पुलिस वाले आ गए, भैया को मारा, मम्मी को ले गए, भैया को ले गए। इसके बाद महिला बुलवाया, हमें ले गए, हमें पकड़ रहे थे। तो मैंने कहा हम नहीं जाएंगे। मारा पीटा, सबको मारा पीटा। मम्मी अब मार 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 के वो कर दिया, चौकी में ले गए हैं। किसको किसको मारा चौकी के अंदर? भैया को मारा है, मम्मी को मारा है। हम जा रहे थे तो हमें गालियाँ दे रही थी, मार पीट रही थी, कहते चलो लाइट आना। सब चौकी की कहानी है। क्या हुआ चौकी में, क्या हुआ चौकी में बता तो रहे हैं कि रिक्शा वाला था, दुकान में मेरी माँ थी, भैया थे, मैं थी, तो महिला लोग गए, पुलिस वाले गए, दरोगा गए, जैसे पाए उस तरह मारते मारते ले गए। हम लोग को हाथ पकड़ पकड़ के घसीट रहे हैं, तो हम लोग नहीं गए। इसके बाद दोनों लोग के अंदर बैठ दिया। इसके बाद हम चिल्लाते रहे कि चलो मम्मी को मार, छाड़ दो भैया को, छाड़ दो, इन लोगों ने क्या किया है। तो कह रहे तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं आराम जाती, तुझे भी पटक पटक के ही मारूंगी। कौन बोल रहा था ये? वही पुलिस वाली है। हाँ, फिर इसके बाद मैंने कहा क्यों गाली दे रही, क्यों हमें मार रही हो तुम भैया। जब मेरे माँ को मारने लगे कमरे के अंदर, मेरे भैया ने गुहारी मारी। जब हम लोग चिल्ला के सब जने गए, दरवाजा खोला, मेरी मम्मी बेहोश बिल्कुल पड़ी थी, लोग बढ़िया बैठे हंस रहे थे। इस मामले में महिला का इलाज कर रहे चिकित्सक का कहना है कि बेहोशी की हालत में पुलिस महिला को लाई थी, जिसे भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल एक महिला को लेकर आए थे, जिसमें उसको बेहोशी कंडीशन में थी महिला। और यहाँ इसके बाद थोड़ी देर बाद आपस में झगड़ा होने लगा, और उसके साथ तीन चार औरतें और आ गई, और महिला पुलिस और पुरुष पुलिस काफ़ी यहाँ पति पति गालियाँ दी और मारा पीटा भी। महिला को हमने भर्ती कर लिया है और उसका इलाज चल रहा है। उनका आरोप है कि पुलिस ने हमको मारा पीटा है और उसको भर्ती करके उसका इलाज चल रहा है। बेहोशी का हो सकता है कि मैनेजरिंग होता है, एंजाइटी की वजह से कुछ लोग बेहोश जाते हैं, घबराहट की वजह से बेहोश जाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कमासिन थाने में गैंगरेप पीड़िता को बंद कर पीटने का मामला सामने आया था, लेकिन उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही इस मामले में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार है। बांदा से जफर अहमद, पंजाब केसरी टीवी।